दोस्तों, गरम मसाला हम सबके घर में इस्तेमाल होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ वो मसाले बताए थे जो सबके घर में पाए जाते हैं और उन मसालों को किस तरीके से हम अलग अलग बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि गरम मसाले में एक और औषधि पड़ती है या एक और मसाला पड़ता है जिसे पिपली के नाम से जानते हैं। ये पिपली आमतौर से सभी पंसारियों और राशन की दुकान पर उपलब्ध है। इसके इतने ज़्यादा लाभ हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, किन किन बीमारियों में आपको किस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए और किन किन लोगों को उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूँ आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, पिपली का पौधा कुछ झाड़ीदार बेलनुमा होता है। अक्सर इसके पत्ते जो है वो देखने में कुछ पान के पत्तों की तरह लगते हैं और अगर इसे कुछ सहारा मिले तो ये पेड़ पर बढ़ भी जाता है। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे इसे मगधी, वैदेही, मागधी, इंग्लिश में इसे पेपर लॉन्गम या लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। जो इसके कांटे होते हैं उसमें पिपलाइन और पिपलेरिटिन नाम का एक एल्कलाइट पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। मुख्यतः इस पौधे की जड़ और फल का प्रयोग किया जाता है जो खाने में कड़वे एवं तीखे होते हैं। मुख्यतः पिपली का प्रयोग लकवा, गठिया, कटिवात, कास यानी कि जिसे आमतौर पर हम खांसी कहते हैं उसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी, डाइजेशन और लीवर इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम खांसी के बारे में या फिर जिसे आयुर्वेद की भाषा में कास कहा जाता है। इसके लिए आपको चार चीज़ें लेनी हैं। आपको लेना है पिपली, सौंठ, काली मिर्च और बहेड़ा। यह वही बहेड़ा होता है जिसका प्रयोग त्रिफला चूर्ण में किया जाता है। तो आप इन चारों चीज़ों को लें और उनको समान मात्रा में लेके इनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को आप आधे चम्मच की मात्रा में दिन में दो बार शहद के साथ इसका सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपको खांसी में इससे काफ़ी लाभ मिलता है। और दोस्तों, यदि आप प्रतिष्ठ से पीड़ित हैं या फिर जुखाम से पीड़ित हैं तो इसके लिए आप पिपली की जड़ ले लें। इसके पिपली की जड़ के चूर्ण का पाउडर लें और उसका सेवन आप शहद के साथ करें। दिन में दो बार आपको इसका सेवन करना है तो आप देखेंगे कि जो आपको जुखाम की समस्या है वो दूर हो जाती है। आमतौर पर हमने जैसे देखा है कि नाक बहुत ज़्यादा बहती है। और यदि आप इसका अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो आप एक हल्दी वाला दूध एक कप की मात्रा में ये चूर्ण का सेवन करने के बाद पिए तो आप देखेंगे कि आपका जुखाम और भी ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। और यदि आपको किसी तरीके से अस्थमा से ग्रस्त हैं, कंजक्शन है, कफ है, इसके लिए आप केवल पिपली का चूर्ण शहद के साथ सेवन करें तब आप देखेंगे कि ये पिपली का चूर्ण आपके लिए कितना ज़्यादा असरदार है। और अब बात करते हैं हिक्का रोग की, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं हिचकियाना। इसके लिए आप मुलैठी, पीपली और मिश्री इन तीनों को समान मात्रा में लें और उनको कूट कर पीस कर उनका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण का सेवन आप गुनगुने पानी के साथ दिन में दो बार करें तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो आपको हिचकी आने की बार बार समस्या है या आपकी श्वास नली में या आहार नाल में जो सूजन आ गई है उसमें सूजन दूर होती है और आपको इस हिक्का रोग से भी आराम मिलेगा। और दूसरा, बात करते हैं पेट से संबंधित एक आम रोग की जो आमतौर पर लोगों में देखा गया है, आयुर्वेद की भाषा में जिसे मंदाग्नि कहते हैं या फिर आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि भूख ना लगना। इसके लिए आपको त्रिकटू चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरीके से आपने त्रिफला का नाम सुना है, आयुर्वेद में त्रिफला का महत्व है, इसी तरीके से तीन और चीज़ों को मिला के हम त्रिकटू चूर्ण बना सकते हैं जिसके लिए आपको चाहिए सौंठ, पिपली और काली मिर्च। इन तीनों को समान मात्रा में मिलाकर इनको पीसकर इनका चूर्ण बना लें। इसे आधा से एक चम्मच की मात्रा में दिन में दो बार सेवन करें तो इसके सेवन से आप देखेंगे जो आपको भूख ठीक से नहीं लगती थी, आपका खाना खाने का मन नहीं करता था, वो समस्या दूर हो चुकी है। और यदि आपको ऐसा महसूस होता है खाना खाने के बाद कि आपका पेट कुछ भरा भरा रहता है, आपको लगता है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आम भाषा में जिसे अफारा कहते हैं, इसके लिए भी आप पिपली के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद एक या दो चुटकी पिपली का चूर्ण लें जिसे नींबू के रस के साथ खाएं तो आप देखेंगे कि इससे आपका डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है और पेट में जो अफारा बनने की स्थिति है वो भी दूर हो जाती है। और दोस्तों, अब मैं आपको पिपली का एक बहुत खास प्रयोग बताता हूँ। आमतौर पर देखा गया है लीवर से जुड़े हुए रोग काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी करते हैं। कई बार स्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं कि डॉक्टर भी एक तरीके से आपको हाथ खड़े कर देते हैं, मना कर देते हैं। पिपली का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप किसी कुशल चिकित्सक के अगर निगरानी में इसका प्रयोग करते हैं तो आप न सिर्फ हेपाटाइटिस साथ ही साथ एसाइटिस से भी ग्रसित अगर हो तो आप इसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप तीन पिपली के टुकड़े लें, फल लें, उन फलों को दूध में उबालें। दूध में उबालने के बाद आप उनका सेवन करें। इसमें आपको पहले तीन दिन तीन तीन तीन
पिपली के फल लेने होंगे, उसके बाद चौथे दिन 4 फल, पांचवें दिन 5 फल, छठे दिन 6 फल, इस तरीके से हम इसको 11 फलों तक लेकर जाएंगे। और यदि पेशेंट को किसी भी तरीके से गर्मी या ऐसी कोई समस्या नहीं होती है तो फिर हम उसको वहाँ पर रोकेंगे और धीरे धीरे इसी क्रम में रिवर्स आएंगे, मतलब कि 11वें दिन के बाद 12वें दिन 10, उसके बाद वापस 9, 8, 7, फिर 3 पर आकर रुक जाएंगे। फिर जैसे हमने शुरुआत में 3-3 फल एक साथ दिए थे, तो हम लास्ट के 3 दिन 3-3 फल देंगे और उसके बाद उसे रोक देंगे। इसमें आप देखें कि जो आपको एसाइटिस की प्रॉब्लम है, जलोदर की जो समस्या है, वो पूर्णतः खत्म हो जाती है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप इसका प्रयोग किसी कुशल चिकित्सक की निगरानी में ही करें। इस चिकित्सा पद्धति को वर्तमान पिपली कल्प कहा जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में सिर्फ एक बात ध्यान रखने की होती है कि जब तक आप इसका सेवन करेंगे तो आप पूर्णतः पानी का निषेध रहेगा आपके लिए, आपको पानी नहीं पीना है। इसके बदले आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, आप मट्ठे का सेवन कर सकते हैं या दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको इस समय के दौरान आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है। आप नारियल पानी लें तो वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और दोस्तों, चलते चलते इसका एक फ़ायदा उन महिलाओं के लिए जो पोस्ट डिलीवरी होने वाले प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, जिसको आयुर्वेद की भाषा में सूतिका कहा जाता है, इसके लिए वो पिपली का चूर्ण दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में सेवन करें। इससे न सिर्फ उन्हें पोस्ट डिलीवरी होने वाली समस्याओं से आराम मिलता है, बल्कि चाहें तो वो एक चुटकी दिन में अपने बच्चे को भी ये दे सकती हैं, जिससे न सिर्फ उसे श्वास रोग में राहत मिलती है, साथ ही साथ उसके दांत निकलने या फिर अपब्रिंगिंग के में जो भी बच्चे को प्रॉब्लम्स होती हैं कॉमन, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, इस तरीके से पिपली न सिर्फ हमारे गर्म मसाले में सहयोग करती है, साथ ही साथ यदि हम इसका उचित तरीके से प्रयोग करें तो भिन्न भिन्न बीमारियों में भी हम इसे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद पर इस तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो लाना हमारा प्रयास है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके से आयुर्वेद या जड़ी बूटियों का महत्व है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।